हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एडवाइस स्क्वायर -14y - -15=0। तो इस टाइप के ओकेशन जो होती है उसमें क्या करना होता है दोस्तों, जो फर्स्ट और थर्ड होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और बीच वाले को इस हिसाब से दो भागों में बांटना होता है कि वो दो भागों का मल्टीप्लाई फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन में आप देख सकते हो 8 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 के बराबर आ रहा है। तो अभी मेरे को 14 को इस हिसाब से तोड़ना दो भागों में कि वो 120 के बराबर आए। तो यहाँ पे मैं 20 × 6 कर लेता हूँ। 20 अगर मैं माइनस के लूँगा और 6 प्लस के लूँगा तो 14 हो जाएगा, वो माइनस के 14 हो जाएगा। और 20 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 20 और 6 ले लिया, 20 लिया माइनस का और 6 लिया प्लस का। तो 8y² - 20y + 6y - 15। तो अभी क्या रहता है दोस्तों, चार फिगर बन जाती है। यहाँ पे चार में से फर्स्ट दो में से कॉमन निकालना होता है, फिर नेक्स्ट दो से कॉमन निकालना होता है। तो 8y² - 20y से मैं 4y बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि y दोनों में है और 4 दोनों में से निकाल सकते हैं। तो 4y निकाला तो अंदर क्या बचा, 2y - 5 बचा है। और नेक्स्ट वाले थर्ड और फोर्थ में से मैंने 3 निकाल लिया, क्योंकि y तो दोनों में नहीं है, नहीं तो y भी साथ में निकाल लेता। तो मैंने ओनली 3 निकाल लिया बाहर, क्योंकि 3 6 को भी डिवाइडेबल है और 15 को भी डिवाइड कर देता है। तो 3 निकाला तो 2y - -5 रह गया अंदर। अभी ये दो फिगर बन गई, एक ये है और एक ये है। अभी इन दोनों में से कॉमन निकालना, तो दोनों में 2y - 5 इसमें भी है, 2y - 5 इसमें भी है। तो 2y - 5 मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से निकाले 2y - 5 तो 4y बचा, तो 4y यहाँ लिख लिया। और इसमें क्या +3 बचा तो +3 इधर लिख लिया। अभी क्या है, ये बराबर है 0 के, तो मतलब दोनों में से एक तो कोई ना कोई तो 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तभी 0 को अगर किसी बड़ी से बड़ी रकम के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेता हूँ। इसको बराबर 0 रख लिया और इसके बराबर 0 रख लिया। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 5/2 - -3/4 आ जाती है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।